ये ले जाओ। और भाई यहाँ पे हमको 200 के लगी सीधा फिर राजस्थान बॉर्डर पे। चलो गिरदार हम राम से तुम्हारा भाई यहाँ तक पहुँच चुका है। ये देखो आप 9:30 से अपर टाइम हो चुका है भाई तुम्हारा भाई राम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई सभी को। और आज का ब्लॉग अपना शूट हो रहा है अपने शाहपुर से, और टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बजे तुम्हारा भाई आज ब्लॉग शूट कर रहा है गाइस, क्योंकि इसमें भी कोई रीजन है जो तुम्हारा भाई इतने सवेरे ब्लॉग शूट कर रहा है। और भाई धुंध ना आज, ठंड है ना बिल्कुल हद ही पार कर दी है आज। ठंड हर रोज़ से ज़्यादा है, इतनी आज मतलब जितनी आज ठंड है ना इतनी कभी नहीं हुई अब तक के, अब जो जड है अब के टाइम में इतना ज़्यादा जड है गाइस, बहुत ज़्यादा। और नज़ारा चेक कर ही रहे होगे आज तुम्हारे भाई की क्या हालत है। देखो सोल गेयर रखा है गले पे और भाई टोपा ओढ़ रहा है, जर्किन पहन रहा है, ठीक है ना गाइस। और तब भी जो है तुम्हारे भाई ठंड नहीं रुक रही, ठंड इतनी ज़्यादा है। और फिलहाल हम शाहपुर के बिल्कुल पीछे बीच मैन बाजार में, और जा रहे हैं हम गाड़ी लोड करने के लिए। और अपना ब्लॉग आएगा ये लगभग 3-4 दिन के बाद अपना ब्लॉग शूट कर रहेगा गाइस, क्योंकि उसमें भी कोई रीजन है, क्योंकि गाइस एक सबसे मेन बात यह है ना ठंड ज़्यादा हो रही है और काम बहुत ही कम आ रहा है अपने पास काम ठंड करके। और भाई बस इस वजह से ना तुम्हारे भाई ने ब्लॉग शूट नहीं करा, डेली ट्रांसपोर्ट पर आता था, डेली घर चले जाता था, तो इस वजह से तुम्हारा भाई ब्लॉग शूट नहीं कर रहा। तो आज अपनी बुकिंग हो चुकी है हरियाणा की, जींद से जाएगी कम से कम 115 किलोमीटर दूर आगे, ठीक है ना गाइस। तो गाड़ी चलेगी अपनी एक साइड से कम से कम 250, और भाड़ा अपना लग चुका है गाइस, वो बताएगा आपको लास्ट में क्या अपनी गाड़ी का भाड़ा लगा है। और 250 एक साइड से चली थी, और कितना हमने अपनी गाड़ी में वेट भरा है वजन, ठीक है ना गाइस। और भाई बाहर निकल के ना आपको धुंध का नज़ारा दिखाते हैं, धुंध कितनी ज़्यादा है। और तुम्हारा भाई आज सवेरे निकल गया, नहा धो के फ्रेश हो गया बिल्कुल। आज तुम्हारा भाई ना सुबह 8:30 बजे थे तुम्हारा भाई नहा धो के निकल गया था, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है गाइस। और भाई वीडियो में बने रहे, आज वीडियो में ना बहुत मज़ा आने वाला है, और आप लोगों को भी दिखाएगा क्या माल लोड करेंगे हम। माल ना गाइस जो ओके वाली चिलम होती है ना, ओके वाली चिलम आज तुम्हारा भाई वो लोड करेगा और वो लेके जाएगा राजस्थान के बॉर्डर पे। जैस यहाँ पे बिल्कुल राजस्थान जहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल वहाँ पे तुम्हारा भाई लेके जाएगा आज चिलम ओके वाली। और देखते हैं यहाँ से कब तक, क्योंकि चिलम है नाजुक मामला, तो वो होगी आराम से लोड, वो बहुत ही आराम से लोड होगी। अब बज रहे हैं लगभग 9:30, देखते हैं अपनी गाड़ी कब तक लोड होती है। तुम्हारा भाई जा रहा है गाड़ी खड़ी करने, गाड़ी खड़ी करके तुम्हारा भाई आ जाएगा घर पे, क्योंकि अपना घर वहाँ से है 1-1.5-2 किलोमीटर दूर सारा ही है जहाँ से लोड होगी अपनी गाड़ी। और वहाँ से लोड गाड़ी खड़ी करके वहाँ पर तुम्हारा भाई आ जाएगा घर पर, और जब तुम्हारा भाई रास्ता तिरपाल करेगा उसके बाद लोग शूट करेगा, उसके बाद तुम्हें दिखाएगा कि कितनी अपनी गाड़ी की हाइट हुई है और कितना वजन होया है गाड़ी में गाइस। तो आगे का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को भी, चलो धुंध दिखाते हैं आपको, धुंध कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, गाड़ी की अपनी क्या हालत हो रही है। तुम्हारा भाई ने पानी मार के आया है गाड़ी पे सुबह ही, तुम्हारे भाई ने गाड़ी धो धा के और उसके बाद लेके निकला था। तो ठीक है गाइस, बने रहे वीडियो में, दिखाते हैं आपको कुछ रोड का भी नज़ारा किस तरह का रोड है यहाँ पे। तो भाई ये सीन चेक करो आप, ये रोड का कुछ इस तरह का सीन, कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छे से दिखाने की। तुम्हारा भाई निकल चुका है गाड़ी से बाहर, ये धुंध चेक करो आप, धुंध कितनी ज़्यादा है ये देखो आप। ओए होए 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 जड्डा ना गाइस आज बहुत ज़्यादा है ये देखो आप। और ये तुम्हारे भाई ने गाड़ी लगा ली यहाँ पे, ये देखो तुम्हारे भाई ने ना गाइस गाड़ी में ना पहली लेट लगवाई है धुंध के लिए। ये देखो आप कमेंट करना कैसी लग रही है, छोटी लाइट बड़ी छोटी है पर रोशनी ना बहुत अच्छी है। और देखो तुम्हारा भाई ना गाड़ी धो के लाया था गाइस, हालत देखो आप, हालत किस तरह की हो चुकी है धुंध में देखो। और उसमें ना गाड़ी की हालत चेक कर रहे हो आप, गाड़ी अभी धो के लाए थे, बहुत अच्छे तरीके से धो के गाड़ी लेके आए हैं, और हालत चेक करो आप, हालत क्या हो चुकी है गाड़ी की तुम्हारे भाई की देखो। बस पहली लाइट बाढ़ रखी है गाइस, चेक करो आप। और भाई ठंड ना बहुत ज़्यादा है, और ये देखो ये ओस है गाइस, ओस में ऐसी हो रही है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं गाइस,
और देखते हैं कब तक अपनी गाड़ी लोड होती है, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो भाई लोग कुछ इस तरह की चिल्ला मई है ओके वाली, जो गाड़ी की बनाई जाती है मिट्टी की, और ये कच्चे वाली चिल्ला में अभी इसको पकाया जाएगा और उसके बाद ये राजस्थान जाएगा और तुम्हारे भाई यही वाला माल लोड करेगा पक्के में। ये है कच्चे वाला गाइस। तो गाइस ये पड़ी है पक्के वाली चिलम और अपनी गाड़ी में यही माल लोड हो रहा है। तो भाई लोगों आ चुके हैं हम घर से अपनी गाड़ी पे और गाड़ी अपनी हो चुकी है कंप्लीट, रास्ता त्रिपाल हो चुका है और जस्ट अभी अभी तुम्हारा भाई अभी अभी पहुंचा है यहाँ पे। हम चले गए थे घर पे और घर पे जाके हमने ब्लॉग शूट नहीं करा, ब्लॉग शूट कर रहे हैं अपना गाड़ी पे आगे और दिखाते हैं आपको रास्ता त्रिपाल। तो दिखाते हैं आप लोगों को रास्ता त्रिपाल किस तरीके से भाई लोगों ने करा है और निकलते हैं गाड़ी से बाहर और दिखाते हैं। भाई अभी 10 मिनट पहले ही तुम्हारा भाई आके बस गाड़ी में बैठा था, देखो आप ये अपनी गाड़ी खड़ी है चौराहे पे और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। दिखाते हैं आपको कुछ अच्छे से, कोशिश करेंगे दिखाने की। तो ये यहाँ से लोड कर दिया गाड़ी हमने और लोड करके रास्ता त्रिपाल तुम्हारे सामने है। भाई लोगों ने इन्होंने कर दिया जैसा भी करा है इन्होंने, इसमें चिल्ला में ओके वाली जो मिट्टी की बनती है गाइस। तो बस यहाँ से कुछ देर बाद निकलने की तैयारी है, 15-20 मिनट बाद मिलते हैं कुछ आगे चल के आपसे। तो भाई लोगों पहुँच चुके हैं बड़ोली और बड़ोली में हमको देनी है यहाँ पे 200 चिल्ला। मैन रोड पे बड़ोली पहुँच चुका है तुम्हारा भाई, देखो आप करनाल यहाँ से ओनली रह गए अपना 15 किलोमीटर दूर गाइस। ये अपनी गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे और भाई लोग खाली कर रहे हैं गाड़ी। यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर जाएगी और कुछ जाएगी सीधा फिर राजस्थान बॉर्डर पे। चलो और टाइम हो चुका है गाइस, 4 बज चुके हैं, देखते हैं आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई लोग आ चुके हैं अपर गड्डी पे हम, और ये देखो भाई लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं अपर अपर की चिल्लम उतारनी है इन दोनों भाइयों को, देखो आप किस तरह किया भाई, कमेंट करना भाई किस किस भाई के पास बनती है ये। ये देखो कितना इसका काम है भाई, है ये ले लो। और भाई यहाँ पे हमको 200 किलो उतारनी है, 200। ये देखो चलो देखते हैं 200 किलो कब तक उतरती है। तो भाई नज़ारा चेक करो, 200 किलो 180 उतर चुकी है और 20-25 किलो और रह गए गाइस। ये देखो भाई, ये भाई फ़ोन पे बात कर रहा है, ये अकेला भाई गाड़ी उतार रहा है बस। ये रह गए 20 किलो बस। और पैकिंग किस में कर रहे हैं, कट्टे में, कट्टे में पैकिंग हो रही है गाइस। ये बड़े वाली भी हमने उतारी है और वो कट्टा है वो भी हमने उतारा है और ये सामने दुकान है और ये 20 किलो रह गए बस। देखते हैं यहाँ पे और आधा पौन घंटा लग जाएगा और क्योंकि इनसे ना पैसे भी लेने हैं हमको और फिर जाना है हमको राजस्थान के बॉर्डर पे और ये अपना नेशनल हाईवे है जो सीधा करनाल में जाएगा, ये सामने फ्लाईओवर जो दिख रहा है आपको। चलो मिलते हैं आधा पौन घंटे बाद आपसे गाइस कुछ देर बाद। तो है नरमाना टोल पे और नज़ारा चेक कर रहे हो आप, टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं, दूध है बहुत ज़्यादा और चाय पीने के लिए रुके थे हम, ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है पीते हैं। तो भाई लोगों यहाँ से ली है हमने चाय और चाय पीने लग रहे हैं, बाइक कर रहे हैं परमिट बाइक का और ये यहाँ से कटवाया हमने टोल नरवाने का। और भाई लोगों
अंधेरा हो गया फुल और धुंध भी आ रही है ज़बरदस्त, तो आगे जो है ना हम ब्लॉग शूट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से जाना है हमको अभी 70 मिनट दूर आगे, और आगे का जो है हम ब्लॉग शूट नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो आप धुंध धुंध ज़बरदस्त है यहाँ पे ना, लाइट बढ़ लिया इस वजह से आपको कम लग रही होगी, और आगे ब्लॉग शूट नहीं करेंगे हम, और पी रहे हैं यहाँ पे चाय। तो गाइस मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में सुबह करेंगे ब्लॉग को एंड वीडियो में बने रहे। तो अब हो चुकी है रात, आगे ब्लॉग शूट नहीं करेंगे क्योंकि अपनी गाड़ी है ओवरलोड। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में गाइस। तो भाई लोगों सुबह के बज चुके हैं 6, और तुम्हारा भाई राजस्थान से गाड़ी खाली करके जींद पहुँच चुका है, और भाई धुंध ना धुंध धुंध बेशुमार है, और ठंड भी बेशुमार हो रही है, और भाई जींद से आगे ना हिम्मत नहीं पड़ रही गाड़ी चलाने की, क्योंकि ये मेन हाईवे है ये जो दिख रहा है आपको, दिखाते हैं कोशिश करते हैं आपको अच्छे से दिखाने की, ये जो है अपना मेन हाईवे है, और ये देखो कोई भी गाड़ी नहीं चल रही इस पर, धुंध देखो आप कितनी है। तुम्हारा भाई राजस्थान से लगभग 170 किलोमीटर दूर आ चुका है यहाँ पर जींद, और जींद से सीधा मेन रोड अपना करनाल जा रहा है, ये देखो आप ये नेशनल हाईवे है गाइस, सीधा करनाल जाएगा, और तुम्हारे भाई ने गाड़ी लगा ली यहाँ पे, ये HP का तेल पंप है, ये तुम्हारे भाई की गाड़ी खड़ी है, देखो जस्ट अभी तुम्हारे भाई ने गाड़ी लगाई है भाई, धुंध में ना कुछ भी नहीं दिख रहा था, आराम आराम से तुम्हारा भाई यहाँ तक पहुँच चुका है, ये देखो आप, और भाई 160-170 के करीब तुम्हारे भाई ने गाड़ी चला रही है धुंध में, ये देखो तुम्हारे भाई की गाड़ी खड़ी है, और भाई कितनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे तेल पंप में धुंध के कारण, ये देखो अब धुंध कितनी है, और सुबह के 6:30 बज चुके हैं, कोशिश करेगा आराम आराम से चलने की यहाँ से कि सुबह तक 7-8 बजे तक अपने घर पे पहुँच जाए। चलो तो गाइस निकलते हैं यहाँ से 15-20 मिनट बाद, और आगे का नज़ारा नहीं दिखा पाएगा आपको क्योंकि धुंध है बेशुमार, वीडियो कहीं पर रुकेगी जब भी बना पाएंगे। तो भाई लोगों ठंड ना, ये देखो आप तुम्हारे भाई की ना हिम्मत नहीं पड़ रही गाड़ी चलाने की, ठंड इतनी ज़्यादा है, और भाई निकलना तो पड़ेगा यहाँ से, ये तुम्हारे भाई की गाड़ी खड़ी है दिख रही होगी आपको, धुंध इतनी है कि नहीं दिख पा रही होगी, चलो कोशिश करते हैं दिखाने की अच्छे से। तो भाई लोगों तुम्हारा भाई आ चुका है शाहपुर, और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 9:30 बज रहे हैं गाइस, और तुम्हारा भाई शाहपुर आ चुका है भाई, और धुंध ना धुंध अब भी धुंध ज़बरदस्त है गाइस, और रात में मैंने जिस तरह का आपको सीन दिखाया देखा होगा आपने कितना ख़तरनाक सीन था, तो अपना वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और आप लोगों से भाइयों से लेके इजाज़त, और शाहपुर का दिखाते नज़ारा कुछ थोड़ा सा और आपको, और उसके बाद कर देंगे वीडियो को एंड गाइस। ये देखो भाई लोग ये आ चुका है हम अपने शाहपुर में, 9:30 से अपर टाइम हो चुका है भाई, तुम्हारा भाई रात को राजस्थान से निकला था लगभग 2 बज चुके थे जब तुम्हारा भाई निकला राजस्थान से, और अब ये देखो आप फिलहाल भी कितना ज़्यादा मतलब मौसम कितना बढ़िया सुहाना हो रहा है, बस ठंड जो है ना ठंड हो रही है गाइस बढ़िया वाली। तो ये तो आपने नज़ारा चेक करा ही होगा, ये अपना शाहपुर का रोड है गाइस। तो भाई लोग आ चुके हैं हम अपने शाहपुर में, और शाहपुर से मुड़ चुके हैं अपने गांव की तरफ को, और बस अपना गांव रहेगा यहाँ से ओनली 1 किलोमीटर दूर, और गांव पहुँच जाएंगे, और नहा धो के फ्रेश हो के आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, एंड इस वीडियो करते हैं गाइस यहाँ पे एंड, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में गाइस।